बापू, सोन दो के बापू। आदमी एक ओर तो स्त्री को शक्ति मानकर देवी की तरह उसकी पूजा करता है और दूसरी ओर उसी स्त्री का दमन करने के लिए क्या क्या कोशिशें करता रहता है, और जब दमन के सारे तरीके बेकार हो जाते हैं तो वो अपने चरम हथियार का इस्तेमाल करता है, बलात्कार। बलात्कार एक स्त्री की गरिमा और इच्छा का सबसे बड़ा उल्लंघन है। स्त्री के प्रति इससे बड़ा अपमान और अपराध दूसरा नहीं है। लेकिन विचित्र बात यह है कि हमारा समाज बलात्कार के मामले में पुरुष को नहीं बल्कि स्त्री को कलंकित करता आया है। आज सावधान इंडिया में जो घटना हम आपको दिखा रहे हैं उसका संबंध इसी पिछड़ी हुई सोच और उसके खिलाफ एक स्त्री के संघर्ष से है। अलवर से 50 किलोमीटर दूर बेवर गांव में जमुना नाम की एक औरत अपने पति और बच्चों के साथ स्वाभिमान का जीवन जीती थी। पति गोपाल कुमार का काम करता था और जमुना महिला विकास कार्यक्रम के लिए साथिन की तरह गाँव में विभिन्न मसलों पर चेतना जगाने का काम करती। लेकिन कुछ लोग नहीं माने और जमुना ने उसकी सूचना अधिकारियों को दे दी। हो गया सरकार, आपको मालूम नहीं है बाल विवाह गैर कानूनी है? हमें नहीं मालूम सरकार। कानून बने 70 साल हो गए और आपको अभी तक नहीं पता? कानून तो सरकार आप जानो, हम तो अपनी परंपरा जाने तो जो पुरखों से चली आ रही है। अब नहीं चलेगी, सुना नहीं आप लोगों ने? अब यहाँ कोई शादी नहीं होगी। सरकार ये क्या कर रहे हो, शादी रुकवा दोगे तो बिरादरी में हमारी इज्जत का कचरा हो जाएगा। आपको अपनी इज्जत की फिक्र है और अपने बच्चों की भविष्य की फिक्र नहीं है। सरकार कुछ ले दे के बात को खत्म कर दो। आप हमें घूस देना चाहते हैं? एक सरकारी ऑफिसर को घूस देने की सजा जानते हैं? गिरफ्तार कर लो इनको। गलती होगी सरकार, माफी दे दो। आपकी बात मैंने पूरे से समझ में आ गई, अब आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। 18 की होने से पहले लड़की की शादी के बारे में सोचो भी मत, उसे पढ़ाओ लिखाओ, आगे बढ़ाओ। समझ गए सरकार, पूरी सी बात समझ में आ गई, अब तो वही होगा जो आप कहेंगे। नमस्कार। चलिए। कौन गद्दार है, किसने खबर दी? सोच के रहे हो? सोच रहे हो, चौधरी को पता चल गया हो तो? पता चल गया तो क्यों जाओगे? देख जमुना, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करते। बैर की क्या बात है, मन ने तो अपनो काम कियो है, कानून तो वो तोड़े हैं, वो डरे साथ थे रहूं। जे मैं खबर ना करती तो बेमानी ना होती। चलो रोटी खाओ। रुक, चाल, ताने चौधरी ने बुलाया है। चाचा आ गई। काल पुलिस आई थी हवेली में, हमारी छोरी का ब्याह रोक रहे, गिरफ्तारी की धमकी भी दी थी। बिरादरी के सामने इससे पहले ऐसी बेइज्जती ना भाई जो कल हुई। तूने खबर की थी पुलिस ने? हाँ, मैंने ही की थी। अच्छा, झूठ भी ना बोलियो तो? इसमें झूठ बोलने वाली की बात है, ये तुम्हारो काम है। सही काम क्या है समझाना और गलत काम से रोकना। कच्ची उम्र में ब्याह करने से छोरियों की जिंदगी खराब हो जावे है। अच्छा किया जो आपने ब्याह रोक दी। ये कब मैंने बोला कि ब्याह रोक दी? रात 1:30 बजे कर दी ब्याह।
जो आपने ठीक ना की, अन्याय कर दी, कच्ची उम्र में शादी, जीवन की बर्बादी। चुप कर। अब तू समझाएगी कि अच्छा होवे के बुरा होवे, के न्याय होवे के अन्याय होवे। अरे गांव का सरपंच हूं मैं, सरपंच। और ये कल जो हमारी बेइज्जती हुई ना, इसकी जिम्मेदार तू है तू। और तेरी जगह कोई और होता तो अब तक काट के फेंक दियो तो। तू और अज्ञात है इसलिए तने माफ किया। जा। अरे जाना ही खड़ी के है। देखो भाई, कल हमने उसे घणो समझायो थो, लेकिन अब कोई हमारी बात ना माने तो मैं क्या कर सके? ये कर सकूं हूं मतलब? हमारे पास कानून है, आप अपराधी को गिरफ्तार कर सकते हैं। अरे कैसे करूं गिरफ्तार? अब अगर वो मुकर गयो कि उसने ब्याह कियो ही कुणी, तो फिर हम क्या करेंगे? कहां से लावेंगे सबूत? कौन देखो गवाही? और फिर आपने अपने आंखों से देखा है क्या ब्याह होते हुए? तुम्हारा टाइम क्यों खोटी कर रही हो? अरे हमारे पास यहाँ घड़ो काम है, कटे चोरी हो रही है, कटे खून हो रही है, वो देखना भी तो हमारा काम है। यानी आप कुछ नहीं करोगे? अब ऐसा मैंने कब कहा? देखो अब आप घर जाओ, हम देखेंगे क्या कर सके। जाओ। तू और अज्जात दोबारा शिकायत की तूने, एक बार तो तन्ने माफ कर दियो। थारो तो डर ही खत्म हो गयो। डर के को? कम उम्र में बच्चों का ब्याह करना अपराध है, गैर कानूनी है। कानून तो आपने तोड़ी है, डरना तो आपको चाहिए। साली जबान लड़ाती है हरामजादी। इस गांव का चौधरी हूं मैं, मैंने डर सिखावे है। अब मैं भी देखूं इस गांव में कैसे रहती है तू। कान खोल कर सुन लो गांव वालों, जो भी इस औरत से मेल जोल रखोगे उससे मैं बात नहीं करूंगा। भारी लाठी बात करेगी। इसे ना तो कोई दूध बेचेगो और ना इसके बनाए हुए घड़े खरीदेगो। बंद, आज से इसका हुक्का पानी बंद। जगदेव की तिलमिलाहट की वजह थी जमुना का स्वाभिमान और उसकी निडरता। इसलिए जमुना की हिम्मत को तोड़ने के लिए जगदेव और उसके आदमियों ने जमुना और उसके परिवार को हर तरफ से घेरना शुरू कर दिया। जमुना और गोपाल की आमदनी बंद कराने के अलावा भी वो लोग उन्हें तरह तरह से परेशान करने लगे। कभी उसे घड़े फोड़ दिए, कभी भूसा जला दिया। उनकी उम्मीद थी कि जमुना टूट जाएगी, लेकिन जमुना टूटने वालों में से नहीं थी। और गांव में कुछ लोग ऐसे भी थे जो जमुना का साथ देने को तैयार थे। लाला, पाव भर तेल और आधा किलो शक्कर दे दे। नगदी लाइए तू, 432 रुपए 75 पैसे पहले के बाकी हैं। ए जमुना, देख मारी बात सुन। गोपाल के घड़े तो कोई खरीद ना रहे हो, फिर मारे पैसे कैसे चुकाएगी तू? मारे प्याओ पर काम कर ले, 300 पगार है, हर महीने 100 रुपए काट लूंगा। मंजूर हो तो बोल। क्यों रे लाला, ये क्या सुन रहा हूँ? सुना है
लड़कियां ने पगार दे रहा है। हमारी बात सुनो चौधरी। मैं क्या सुने? मन्ने तो हमारे 435 रुपए 75 पैसे से मतलब है। तबियत कोई गलतफहमी हुई है चौधरी। हमने उस कुतिया का हुक्का पानी इस गांव से बंद कर दिया, तूने उसने प्याऊ में बैठा दिया। ये तो हमारी जवान की बेइज्जती होगी। मैंने तो हमारे बस पीछे मिल और कौन मदद करेगा हमारी? शहर में रिक्शा चढ़ाने से तो कोई ना रोक सकोगा। ठीक कह रहे हैं, अभी गांव में के रखो है, शहर में ही रहते हैं चल के। ये कह रहे हो? पुरखा दी जमीन है, वहां को छोड़ के कैसे जावेंगे? मन्ने तो यही रहना पड़ोगा। तू ना जाओगी तो मैं कैसे जाऊंगा थारे को छोड़ के? चौधरी बड़ो कमीनो है। के छोटो के बड़ो के छोरो और के छोरी पढ़नो सभी को आने चाहिए, इसीलिए सरकार ने बेस्ट शिक्षा कार्यक्रम चलायो है। संजय को पाठशाला में क्लास चले है, चलिया ना? ये बात है भाई जी, सरकार ने सबकी शिक्षा लाई कार्यक्रम चलायो है। कोई शिक्षा विक्षा नहीं, चल निकलो। और तू इधर क्या कर रही है? चल भीतर यहां से, चल चल यहां। मैंने आप लोगों से कहा नहीं, लेकिन इस तरह की धमकियां पहले भी हमारे दूसरे साथियों को मिल चुकी है और एक बार मुझे भी। ये सब मारे चलते हो रहा है। हाँ, तुम्हारे ही चलते हो रहा है, लेकिन जमुना ये सिर झुकाने की नहीं, सिर उठाने की बात है, क्योंकि तुम्हारे ही कारण गांव की औरतों में कुछ बदलने लगा है और वो लोग बदलाव से डरते हैं, इसीलिए हम लोगों को डरा रहे हैं। और अगर हम लोग डर गए ना तो वो लोग हमें और दबाएंगे, इसीलिए हमें कुछ करना पड़ेगा। सरपंच के बढ़ते अत्याचार भी जमुना की समाज सेवा की ओर बढ़ते कदमों को रोक नहीं पाते। काम हम जल्दी करके चलिए आना। हाँ दीदी, हम लोग आ जाएंगे। लो सरपंच जी यहीं है, चलो इनको भी दे ही देते हैं। हाँ। ससुर अब ये के नए नाटक हो रहा है। को सभा है, चले आइए। नमस्ते। महिला विकास कार्यक्रम की जाजम, आप सभी गांव वालों का स्वागत है। दिन रविवार, समय 11 बजे, स्थान चौपाल। भाइयों और बहनों, वैसे तो समय समय से हम लोग आप लोगों से संपर्क करते ही रहते हैं, लेकिन आज की ये सभा एक खास उद्देश्य से बुलाई गई है। आप सब हमारी कर्मठ साथीन जमुना से तो भली भांति परिचित ही है। महिला विकास के लिए अलग अलग मुद्दों को लेकर ये आप लोगों से मिलती ही रहती है, लेकिन पिछले कई हफ्तों से जमुना का बहिष्कार। कैसा बहिष्कार? ना किसी ने किसी का कोई बहिष्कार ना क्यों है? अगर ये बहिष्कार नहीं है तो क्यों जमुना के बच्चों को कोई भी गाँव वाला दूध नहीं बेचता? क्यों जमुना के पति गोपाल से कोई भी गाँव वाले भड़े नहीं खरीदते? क्यों जमुना को पानी भरने के लिए दूसरे गांव जाना पड़ता है? मैडम जी, यहाँ कोई भी किसी ने ये मजबूर नहीं कर सकता कि वो सामान खरीदे या बेचे। ये तो आपसी व्यवहार की बात है। अरे जमी तो जमी, नहीं जमी तो नहीं जमी, इसमें बहिष्कार कैसा? गांव के कुएं से पानी क्यों नहीं भरने दिया जाता उसे? अरे आप लोग चुप क्यों है? क्या आप लोग किसी के दबाव में आकर जमुना का बहिष्कार कर रहे हैं? आदमी लोग सब बोल रहे हैं, महिलाएं क्यों नहीं बोल रही? क्यों चुप है आप लोग? चुप्पी औरतों का गहना है, और हमारे गांव की औरतें बोलती ना है। आप लोग बोल नहीं सकती तो कम से कम हाथ तो उठा सकती हैं। जो जो महिलाएं जमुना के बहिष्कार को गलत समझती हो वो हाथ उठाए,
औरतें तो अनपढ़ गवार हैं, आपकी बात ने समझ नहीं पाई। अनपढ़ जरूर है पर अपनों भलो बुरो समझती है, और चुप इसलिए है क्योंकि वो डरती है। और मेरो बहिष्कार इसलिए किया गया कि मैं चुप ना रही। आज मैं बोल रही हूँ, कल दूसरी औरतें भी बोलेंगी, फिर उन्हें कोई चुप ना करा सकेगा। देखिए, मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि जमुना का बहिष्कार आज से बंद कर दीजिए। इतना धमकाने के बाद भी डर नहीं रही साली? आपने रोक दिया वरना वही जुत्ती से मारता हराम जादी को। ये जमुना गांव की बाकी औरतों का भी दिमाग खराब करने लगी है। एक मछली सारे तालाब ने गंदा करे है। अब तो इसने मसलना ही पड़ेगा। बापू, सोनू के बापू, सोनू के बापू, सोनू के बापू। किसी की नहीं सुनती है। मैं तेरा वो हाल करके छोड़ूंगा कि दुनिया के सामने तू मुंह दिखाने लायक तो रहेगी नहीं, अपना चेहरा भी आईने में नहीं देख पाएगी। परंपरा और संस्कृति की आड़ में कितने अन्याय और अपराध किए जाते रहे हैं, लेकिन सदियों से ये जो दमन की परंपरा चली आ रही है, इस पर किसी को तो सवाल उठाना ही होगा। जमुना ने यह जिम्मेदारी उठाने का साहस दिखाया और उसका यह नतीजा मिला। आज हमारे समाज में रूढ़िवादी अत्याचारी प्रथाओं की कोई जगह नहीं है। जमुना अपने गांव वालों को बस इतना ही तो बताना चाह रही थी। आने वाली पीढ़ियों की बेहतरी के लिए सोचने का उसे क्या अंजाम मिला? पहले से ही तब जाती तो अभी ना दबाना पड़ता। अब देखता हूं कैसे सर उठा के चलती है तू। जमुना के साथ जो कुछ घटा वो जिस्म की भूख में अंधा होकर किया गया बलात्कार नहीं था, बल्कि ये बलात्कार ताकत और दमन का हथियार था। अगर ये लड़ाई सिर्फ विचारों की जमीन पर लड़ी जा रही होती तो जगदेव कब का हार चुका होता, क्योंकि जमुना की आवाज में सत्य की वो शक्ति थी जिसके सामने जगदेव की पिछड़ी सोच कहीं ठहरती ही नहीं थी। लेकिन इस लड़ाई में अपनी हुकूमत और ताकत का सिक्का जमाने के लिए जगदेव ने जमुना के शरीर को रौंद दिया, क्योंकि उसका मानना था कि बलात्कार के बाद कोई भी स्त्री अपने इस अपमान को छुपाने के लिए दुनिया से नजरें छुपाती फिरती है, किसी से आंख मिलाने के काबिल नहीं रहती है। अगर जमुना का भी यही हाल हुआ होता तो जगदेव की जीत हो गई होती, लेकिन जमुना एक अलग मिट्टी की बनी थी। सोनू के बापू, सोनू के बापू, उठा, सोनू के बापू, जमुना, तू ठीक है क्या? माँ, बापू,
चल घर से। ना, घर ना जाएंगे। घर ना जाओगी तो कहाँ जाएगी? हाँ नहीं। देखो जो हो गया उसे भूल जाओ और ये पुलिस कचहरी के चक्कर में मत पड़ो, इससे कुछ हाथ नहीं आवेगा और बदनामी होगी तो अलग। और वैसे भी जो हो तो वो तो हो ही गए हो, अभी अपनी बेइज्जती को ढोल पीट के क्या फायदा है? मारो कहाँ मानो, मुंह में ताला मारो और घरे जाके बैठो, जाओ। तो फिर पुलिस कचहरी का क्या मतलब? मारे ऊपर बलात्कार हुआ है, यह अपराध है कि नहीं? सरकार ने उसके लिए सजा धरी है कि नहीं? कपाल बड़ा बोल ले रहे सारे लोग भाई, आप रपट लिखो। लिख भाई, रपट लिख। जब तू रपट लिखा ही रही है तो ये जो थारो लहंगो है ना वो यहीं उतार के जाना। इतना चौंकने की कोई बात नहीं, ये जो थारो लहंगो है ना ये बलात्कार का सबूत है, ये वास्ते लहंगो यहां हमारे पास रहे हो, समझी? सरकार लहंगो आपको देगी, ये बेचारी के पहनेगी? अरे मैं कहीं जानू, कोई दूसरा कपड़ा दिला देते सरकार। अबे थानो है बजाजा नहीं, बड़ा यार रपट लिखाने वाला, चल दिखा। जो पहले ही औरत की तरह मुंह बंद करके बैठती घर में, तो आज जो हाल ना हो तो। हौसला रख जमना, वो एक थानेदार को खरीद सकते हैं लेकिन इंसाफ को नहीं। वो चौधरी चाहे कितना भी जोर लगाते हैं लेकिन मैं इस मामले को दबने नहीं दूंगी। वो सोच रहा है कि तू अकेली है, कमजोर है, औरत की ताकत को वो जानता नहीं है अभी। जमना देखना, देश का हर नारीवादी संगठन तेरे साथ होगा, देश का हर छोटा बड़ा अखबार तेरी कहानी छापेगा। प्रदेश में लचर पड़ चुकी कानून व्यवस्था अब अराजकता का रूप लेती जा रही है। दो दिन पहले बेवर गांव में 5 लोगों ने मिलकर एक सामाजिक कार्यकर्ता के साथ सामूहिक बलात्कार किया और प्रशासन ने न तो गांव के उन 5 प्रभावशाली लोगों को गिरफ्तार किया है और न ही इस रपट के लिखे जाने तक महिला की मेडिकल जांच की है। ये गौरतलब है कि बलात्कार के मामले में समय पर मेडिकल जांच होना कितना आवश्यक होता है। ये बंदगार क्यों नशा खराब कर रहा है? ये तो एक खबर की बात है, ऐसी रपट जाने कितने अखबारों में छपी है।
जो ऊपर से प्रेशर पड़ेगा तो थानेदार को एक्शन लेना ही पड़ेगा, और जो एक बार गिरफ्तार हुए तो फिर कोर्ट कचहरी, आदमी चक्कर घिन्नी हो जाता है। अरे क्यों मिट्टी बर्बाद कर रहे हो, तेरे बने घड़े तो कोई खरीदेगा भी ना। चोरी जमुना, अरे इतनी बेइज्जती कराने के बाद भी तने चेन्नई थाने कोर्ट कचहरी जाकर बदनामी भी करा ली, यहाँ क्यों आयो? रे थारी हालत पे दया आ गई है चौधरी साहब ने, तेरी बेइज्जती के बदले 10,000 रुपए देने आए तने। 10,000? भाई तू ठहरी औरत जात, कहाँ कोर्ट कचहरी में फिरेगी, तो हमने खुद दे फैसला ले लियो। 10,000 ले और अपना केस वापस ले ले। केस वापस ले लियो तो हुक्का पानी बहाल फिर से चालू करा देंगे। हारो फैसलो नहीं चाहिए मारे को। आवनी मत बन बेना, पैसा ले ले और झगड़ा निपटा। अपराधी कैसे कर सके हो फैसला? अदालत करेगी फैसला। रस्सी जल गई पर पल ना गई हो तेरा। कोर्ट कचहरी में अगर तारी जूतियां ना घिसवाती तो हमारा नाम चौधरी जगदेव सिंह नहीं। माधुरी और जमुना को लगा था कि अदालत उनके साथ हमदर्दी दिखाएगी और मुजरिमों को सजा देगी, लेकिन हमारे इस पुरुष प्रधान समाज की विडंबना देखिए कि निचली अदालत ने जमुना पर ही सवाल खड़े कर दिए। FIR और मेडिकल जांच में देरी के पीछे अदालत को जमुना की चाल नजर आई। अदालत के इस विचित्र व्यवहार से जगदेव और उसके साथियों को राहत जरूर मिली, लेकिन जमुना के पक्ष में उठने वाली इंसाफ की आवाज और ऊंची हो गई। प्रदेश और देश से निकलकर अब विदेश में भी जमुना के समर्थन में लोग जुटने लगे। विदेशी गाड़ी है, किसके घर जा रही है? भाया आजकल तो गांव में जो भी बड़ी गाड़ी आवे है ना वो उसी के घर जावे है। के जमानो आ गयो है भाया। सात साल बीत गए पर अभी तक एक की भी गिरफ्तारी ना भई, बस तारीख पड़ जावे है। केंद्र की सरकार तुम्हारे पुनर्वास के लिए कुछ रकम देने वाली है, और ये बलात्कार का हर्जाना नहीं है बल्कि तुम्हारे पुनर्वास के लिए है। दोनों में अंतर है, ये रकम आप लोगों को ले लेनी चाहिए। देखो जमुना, आज हम तुमसे एक नई बात कहने आए हैं। तुम्हें पता होगा कि नवंबर में पंचायत चुनाव होने वाला है, मालूम? तो मेरा सुझाव ये है कि इस बार ग्राम सरपंच का चुनाव तुम लड़ोगी। मैं? हाँ जमुना तुम। गांव में कोई पानी दूध तो देवे ना है, वोट तो कौन देगा? जमुना हो सकता है तुम्हें वोट ना मिले, हो सकता है कि तुम चुनाव ना जीतो, लेकिन तुम जो इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रही हो ना उसमें ताकत जरूर मिलेगी। और जो आए दिन महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं उसमें ये बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। वो कैसे? जमुना तुम सिर्फ जमुना नहीं हो बल्कि मर्दों द्वारा औरतों पर जो तरह तरह के अत्याचार किए जाते हैं ना उसके खिलाफ संघर्ष का एक प्रतीक हो। और जमुना तुम एक बात जानती हो, भले ही गांव की औरतें खुलेआम तुम्हारा समर्थन ना करती हो लेकिन दिल ही दिल में तुमसे हमदर्दी जरूर रखती है। चुनाव में तो तुम उसकी चिंता मत करो, हमारा संगठन तुम्हारे चुनाव लड़ने में तुम्हारी मदद करेगा। ठीक है फिर। नमस्ते, मारे संग के हुआ किसने किया वो आप लोग जानो। वो सोचे थे कि बलात्कार के बाद जमुना शर्म से बावड़ी में डूब मरेगी, पर जमुना क्यों मरे? जमुना ने कोई गलत काम तो कियो ना है? मैं तो निर्दोष हूँ,
फिर मन ने शरण क्यों आवे? जिसने अपराध किया उसे तो लाज ना आई, वो तो चोर होके घूमे। मारी लड़ाई तो कचहरी में है, पर ये लड़ाई मैं महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ रही हूँ, उनपे हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए, उनको बराबरी का अधिकार मिले, इसलिए मैं ये लड़ाई लड़ रही हूँ। वोट डालने से पहले आप लोग एक बार सोचना जरूर कि आप लोग अपना वोट किसी अत्याचारी को तो नहीं दे रहे हो। नमस्कार। क्यों टांगे तोड़ रही है? चौधरी की दारू, चौधरी को वोट, पियो भाई पियो और पियो। अरे इतनी भी मत पियो, जीत के बाद फेर पीनी पड़ेगी। जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा। सत्ता पाने की चाह में जगदेव चौधरी सरपंच का चुनाव जीतने की कोशिशों में लग जाता है और उसके साथ ही जोर शोर से चुनाव प्रचार शुरू कर देते हैं। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, मतों की गिनती पूरी हो चुकी है। जगदेव चौधरी को मिले हैं 2513 वोट। जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। शांत हो जाइए। सोहन लाल प्रकाश 452 वोट। ओम प्रकाश गुजर को 782 वोट। और जमुना देवी को मिले हैं 2730 वोट। और अब जमुना देवी ने सरपंच का चुनाव जीत लिया है। मैं जीत गई। ये बहुत बड़ी जीत है जमुना, बहुत बड़ी। मेरी बेइज्जती के बदले 10,000 रुपए देने आए तने। भाई तू ठहरी औरत जात, का कोर्ट कचेरी में फिरेगी? जमुना देवी जिंदाबाद, जमुना देवी जिंदाबाद, जमुना देवी जिंदाबाद, जमुना देवी जिंदाबाद, जमुना देवी जिंदाबाद। सच बता रहा हूँ, हो जाता है तेरी तो। चली ये देख, मार वो भी एकड़ो, यो ही मौका है। मारी और देखती कौन ही, इतने बुरी कोई है हम? मेरा रास्ता छोड़ो। छोड़ दे, हमारे साथ दोस्ती कर ले। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरा हाथ। दोस्ती तो हम करके रहेंगे, चाहे जबरदस्ती करनी पड़े। महिलाओं में हिम्मत भरना शुरू कर देती है और वो अपने हक के लिए अत्याचार के खिलाफ मुहिम छेड़ देती हैं। तो क्या कहना है आप लोगों का, ललित को पुलिस के हवाले कर दिया जाए ना? अरे मैडम जी, राय का पहाड़ बनाने से क्या लाभ, लड़का है जवानी के जोश में कर गया गलती। मैं तो ये कहता हूँ कि इसमें माफ कर दो। माफी नहीं मिलेगी, 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 माफी नहीं मिलेगी। क्यों, पहले कभी नहीं सुनी ना इतनी सारी औरतों की आवाज एक साथ? अब गांव में पंचायत भी तो है, पंचायत फैसला करेगी। नहीं, पंचायत नहीं,
थाने में रपट लिखाई जाएगी और अदालत करेगी फैसला। दीदी, सरकार ने पंचायत को फैसला करने का अधिकार दियो है, तो एक मौका तो पंचायत को मिलना ही चाहिए। हाँ, ठीक बोल रही है। चिंता मत कर भतीजे, तू बच गया। चाचा, सरपंच तो जमना है। पंचों ने फैसला ले लो है। ललित ने अलका की इज्जत लूटने की कोशिश की और वाकई सजा यह है कि ललित सबसे पहले तो अलका के पांव पकड़ के माफी मांगे। फिर वो गांव की एक एक औरत के पैर पकड़ के माफी मांगे। और फिर गांव की हर औरत इसके एक एक जूता मारे। जब ये सजा पूरी हो जावे तो या को पुलिस के हवाले कर दियो जाए। पंचायत से सजा ललित को मिली, लेकिन हार जगदेव की हुई। जगदेव ने सोचा था कि जमुना के बलात्कार के बाद उसकी आवाज हमेशा के लिए बंद हो जाएगी, उसकी हिम्मत, उसका हौसला टूट जाएगा। उसके भीतर की सच्चाई कभी जगदेव के भीतर की गलतियों पर उंगली नहीं रख पाएगी। लेकिन जमुना नहीं टूटी, बल्कि जमुना के धीरज और निश्चय के आगे जगदेव टूट गया। भले ही अदालत से जमुना को इंसाफ मिलना अभी बाकी हो, लेकिन उसने अपने गाँव, अपने समाज में ऐसी चेतना पैदा कर दी है कि कोई भी बलात्कारी किसी स्त्री की इज्जत से खेलने से पहले, उसका दमन करने से पहले 20 बार सोचेगा। परंपरा का सम्मान करना ठीक है, लेकिन अपने समय के साथ कदम मिलाकर चलना भी जरूरी है। इसलिए हमें अपनी परंपराओं के प्रति पुनर्विचार के दरवाजे हमेशा खुले रखने चाहिए। एक सुरक्षित समाज के लिए हम सबको सावधान रहने की जरूरत है। हमेशा रहें सावधान इंडिया।